नमस्कार, स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं छठ पूजा पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। छठ पूजा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सामान्यतः यह त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा छठ पूजा विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान सूर्य और छठ माता की आराधना की जाती है। हिंदुओं के अलावा इस्लाम एवं अन्य धर्म के कुछ लोग भी इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। छठ पूजा वर्ष में दो बार मनाया जाता है। पहली बार चैती छठ और दूसरी बार कार्तिकी छठ। चैती छठ पूजा चैत शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है और कार्तिकी छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ चार दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है। इस दिन गंगा के पवित्र जल से स्नान करके खाना बनाया जाता है। नहाय खाय के बाद खाने में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। खरना के दिन व्रत करने वाले लोग द्वारा प्रसाद के रूप में खीर बनाई जाती है। प्रसाद खाने के बाद निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन नदी किनारे छठ माता की पूजा की जाती है। पूजा के बाद डूबते हुए सूरज को गाय के दूध और जल से अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही छठ का विशेष प्रसाद ठेकुआ और फल चढ़ाया जाता है। इस त्यौहार के आखिरी दिन व्रत करने वाले पुरुष और महिलाओं के द्वारा उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूरज को अर्घ देने के बाद व्रत करने वाले लोग प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटकर पूजा संपन्न की जाती है। छठ का व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। छठ पर्व पति और संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से छठ व्रत करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। महिलाओं के साथ पुरुष को भी अपने कार्य की सफलता और मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सूर्य पुत्र कर्ण घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। कुछ कथाओं के अनुसार अपने प्रियजनों की लंबी उम्र की कामना के लिए द्रौपदी भी नियमित सूर्य की आराधना करते थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लंका विजय के बाद भगवान राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य की पूजा की। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की प्राप्ति के लिए छठ का व्रत किया था। ये थे छठ पूजा पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।